थर्मोडायनेमिक्स, इसमें दो शब्द हैं थर्मो और डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब चलना, थर्मो मीन्स हीट, हीट के कारण चलना। अभी तक हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी, फोर्स और काइनेमेटिक्स पढ़े। एनर्जी किस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो एनर्जी पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज फोर्स। यही फॉर्मूला है ना, वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फोर्स। तो वर्क डन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज फोर्स। फोर्स में हमको मालूम है फोर्स पर यूनिट मास एफ अपॉन एम क्या होता है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हम कहाँ यूज करते हैं, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उससे वेलोसिटीज निकालते हैं, डिस्टेंसेस निकालते हैं। तो ये सब आपस में कंबाइन है, ठीक। अब दूसरी चीज जो हमने पढ़ी कि एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उसमें एक फॉर्म जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, उस पर फोर्स लगता है, फोर्स के अगेंस्ट अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो या तो हम उसको एनर्जी देते हैं या उससे एनर्जी हमको मिलती है। एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है और हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट। इसी तरह से ये हम लोगों ने एनर्जी फोर्स, ये एनर्जी का एक फॉर्म पढ़ा है विच इज मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी का दूसरा फॉर्म हमने पढ़ा है हीट। हीट इज एनर्जी। अगर हीट एनर्जी है तो हमारी डेफिनेशन पर उसको आना चाहिए दैट चेंज इन एनर्जी दैट इज टेकिंग द हीट और गिविंग द हीट शुड बी एबल टू डू द वर्क। उस एनर्जी से हमको वर्क करना चाहिए। एंड व्हाट इज वर्क, वर्क इज ए मैकेनिकल एनर्जी। तो हीट इज ए थर्मल एनर्जी, वर्क इज ए मैकेनिकल एनर्जी। दोनों का एक दूसरे में कन्वर्शन होना चाहिए क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं एनर्जीज आर कन्वर्टेबल टू ईच एवरी फॉर्म, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, हर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। और हम एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं कि हम दोनों हाथ को ऐसा रखते हैं, दिस इज ए मैकेनिकल वर्क। फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट किया और दोनों हाथ गर्म हो जाते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज कन्वर्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इंटू हीट इंटू थर्मल एनर्जी। इसी तरह से क्या हम थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आंसर इज यस, करते हैं। और हम लोगों को एग्जाम्पल तो याद है कि कोयले की हीट से इंजन चलते हैं, कोयले की हीट से बॉयलर चलते हैं, उस बॉयलर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पंखा चलता है, हीट एनर्जी से इंजन चलता है। तो ये सब मैकेनिकल वर्क होते हैं और इसको हमने स्टार्ट किससे किया था, कोयले को जलाकर, दैट इज हीटिंग एनर्जी। तो अब इसमें हमारी स्टडी के लिए अलग अलग तरह की ब्रांचेस हैं, कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज ए ब्रांच। कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट, दिस इज ऑल्सो ए ब्रांच ऑफ स्टडी। तो अब हम लोग इस चैप्टर में इस पर स्टडी करेंगे कि वर्क को हीट में कैसे कन्वर्ट करना, हीट को वर्क में कैसे कन्वर्ट करना। स्पेशली जो हम लोगों को नहीं मालूम है वो है हीट को वर्क में कैसे कन्वर्ट करना। वर्क को हीट में कन्वर्ट करना हम लोग हर जगह पढ़ रहे हैं कि जहां फ्रिक्शन होगा वहां पर हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। एंड व्हेनेवर वी से वेस्ट होती है उसका मतलब वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट होती है। तो इतना हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, wherever there is a friction there is a heat formation, okay। तो अब हम mainly concerned हैं कि क्या हीट से हम मैकेनिकल वर्क करा सकते हैं, और अगर करा सकते हैं तो उसमें हमारा क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। ये जो ब्रांच है स्टडी की, दिस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स, हीट से चलना, okay। इसको शुरू करने के लिए हम लोग पहले कुछ डेफिनेशंस फिक्स कर लेते हैं, उस डेफिनेशंस पर हम लोग आगे काम करेंगे। एक है हमारे का डेफिनेशन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम।
थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इसका ये मतलब है कि गैस का या किसी फ्लूइड का एक ग्रुप, बस एक ढेर हमने ले लिया, उसको एक कंटेनर में रख दिया, उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। वो जो मॉलिक्यूल है उसका मास फिक्स है, क्यों? क्योंकि उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स है। अब ये अगर एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है ये, अब इसके अलावा जो दूसरी गैसेस हैं बाहर की, वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अगर वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, एक बर्तन में रखी हुई गैसेस ने एक सिस्टम, हमने उसको बोला कि ये एक सिस्टम है, जैसे इस कमरे के दरवाजे खिड़की बंद कर दिया, इसके अंदर जो गैस है दिस इज वन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, तो बाहर क्या है? तो हमारा आंसर है बाहर के जो गैसेस है उसको क्या कहेंगे? वेरी गुड, दैट इज सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग, ये गैस के अंदर गैस के बाहर। तीसरी चीज हमको शब्द जानना है थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स क्वांटिटीज। कौन कौन सी मेजरेबल क्वांटिटी इसमें है? तो इसमें मेजरेबल क्वांटिटी है वॉल्यूम, प्रेशर, ये इसकी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। मास को हमने कांस्टेंट कर दिया है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये इसकी मेजरेबल क्वांटिटी है, इसको हम कहेंगे थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। ओके, ये बदलते हैं तो इस पूरे सिस्टम के एक साथ बदलते हैं, दीज आर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स, ये क्वांटिटी वाले सारे मॉलिक्यूल एक कंटेनर में है, और वो कंटेनर बाहर के सराउंडिंग से अलग है, बीच में एक वॉल है, वॉल के एक तरफ ये सिस्टम है और बाहर सराउंडिंग है। तो ये जो वॉल है, इस वॉल का हमने कैटेगराइजेशन किया थर्मोडायनेमिक्स में, ये वॉल दो तरह की हो सकती है, एक वॉल हो सकती है जो अच्छी कंडक्टर हो, और एक वो है जो इंसुलेटर है। कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ चुके हैं, हमको पता है कंडक्टिव वॉल क्या करेगी, हीट एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है, उधर से हीट इधर ला सकती है, और इंसुलेटिंग वॉल हीट का आना जाना अलाउ नहीं करेगी। ओके, ये जो डायनेमिक्स है, ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसके अलावा इसमें एक चीज और, हीट, दैट इज एनर्जी। टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस, वो अलग क्वांटिटी है, और हीट क्या है? एनर्जी, ये अलग क्वांटिटी। सो दीज आर वेरिएबल्स। अब ये जो वॉल्स के बारे में हम बात कर रहे थे, वॉल्स, कुछ कंडक्टिंग वॉल्स होते हैं और दूसरा नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होते हैं, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। ओके, इन वॉल्स को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में अगर कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, याद है किसी को? ओके, दिस इज एडियाबेटिक वॉल, और इसका नाम, ओके, दो तरह की वॉल है, एक डायथर्मिक और एक एडियाबेटिक। डायथर्मिक वॉल कैसी होती है? कंडक्टिंग, हीट को जाने देगी। एडियाबेटिक कैसी होती है? नॉन कंडक्टिंग, जो हीट को नहीं जाने देगी। ओके, दो तरह की वॉल्स हो सकती हैं। अच्छा, अब उसके बाद अगली चीज हम लेते हैं, ये इसके पैरामीटर्स के बारे में हमने देखा, इतने सारे पैरामीटर एक सिस्टम में हो सकते हैं। एक सिस्टम एनक्लोज रहेगा तो उसका वॉल्यूम रहेगा, उसकी दीवार ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, दोनों दीवार होने से उसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग तरह की होगी, उसको अब हम स्टडी करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स के रेगुलर लॉज, लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2,
उस पर जाने के पहले हमको और उससे पहले एक लॉ पढ़ना पड़ता है, और टू और वन के पहले क्या नंबर आता है? जीरो. सो दिस इज जीरो एफ लॉ. जीरो एफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके. ऐसा कभी होता नहीं है, आपने कभी भी पढ़े हैं न्यूटन्स लॉ, इसके लॉ, उसके लॉ, सब लॉ नंबर वन, लॉ नंबर टू, लॉ नंबर थ्री, क्योंकि हमारी काउंटिंग वन से स्टार्ट होती है. यहां पर कैसे जीरो आ गया? तो इसको हम लोग ओके, इसकी एक लाइन आप समझ सकते हैं. थर्मोडायनेमिक्स का जब डेवलपमेंट हुआ तो पहले थर्मोडायनेमिक्स का लॉ नंबर वन बना, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. उसमें हमने एक चीज को रेफर किया, टेम्परेचर. फिर लॉ नंबर टू बना, उसमें कुछ और रेफर किया, उसमें भी टेम्परेचर आया. उसके बाद सबको ये पता लगा कि दोनों में हमने टेम्परेचर का नाम तो लिया है, पर टेम्परेचर होता क्या है उसके बारे में हमने कोई लॉ नहीं बनाया. तो उस लॉ को बनाए. अब अगर उस लॉ को बनाएंगे तो नियम से उसका नंबर तीन होना चाहिए कि पहले के पहले आना चाहिए? हाँ, क्योंकि हम लॉ नंबर वन में टेम्परेचर को यूज कर चुके हैं, तो हमको पहले बताना चाहिए कि टेम्परेचर क्या है. इसलिए उस लॉ का नंबर हमको क्या रखना पड़ा? जीरो. दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज जीरो एफ इन लॉ. ये एक बड़ी छोटी सी चीज है, बट दिस मस्ट रिमेन इन योर नॉलेज. ओके. तो जीरो एफ लॉ, जीरो का रीजन आपको पता लगा. और जीरो एफ लॉ है क्या, आपको एक हिंट मिली, वो टेम्परेचर से रिलेटेड है. ओके. तो टेम्परेचर से रिलेटेड जीरो एफ लॉ, जीरो एफ लॉ को आप नोट कर सकते हैं. Two systems in thermal equilibrium with a third system separately. With third system separately are in equilibrium with each other. ओके. ये आप नोट करेंगे, लेकिन इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये इक्विलिब्रियम क्या होता है. तो ये इक्विलिब्रियम है थर्मल इक्विलिब्रियम. यहां पर आप लिख भी सकते हैं थर्मल. ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? हमारे पास दो मीडियम है, ये हमने एक बॉल बनाई, इधर एक सिस्टम रखा, दिस इज सिस्टम वन. ये इस कंटेनर में है और इस वॉल के इस तरफ ये दूसरा सिस्टम है, सिस्टम सी. इन दोनों को हमने यहां पर रखा और ये वाली वॉल एक डायथर्मिक वॉल है. डायथर्मिक मतलब इसमें से हीट आना जाना अलाउड है, इट्स ए कंडक्टिंग वॉल, तो हीट ट्रेवल करेगी इधर से इधर या इधर से इधर, जिधर भी ट्रेवल करना है ट्रेवल करेगी, और लास्ट में जाके उसका ट्रेवलिंग बंद हो जाएगा. जैसे पानी के दो टैंक हमने रखे और नीचे एक पाइप से मिला दिए, तो पानी प्रेशर अपना बनाएगा, जब दोनों पर प्रेशर बराबर हो जाएगा रुक जाएगा, दैट विल बी इक्विलिब्रियम. वैसे ही जब भी हम दो सिस्टम को अटैच करेंगे, मिलाएंगे, तो उसमें हीट का एक्सचेंज होगा. हीट का एक्सचेंज थोड़ी देर तक होगा, उसके बाद क्या पोजीशन आ जाएगी? इक्विलिब्रियम. हीट का एक्सचेंज बंद हो गया, तो इसमें हीट का एक्सचेंज बंद हो गया. तो अब हमने क्या कहा, ये इक्विलिब्रियम में है. ये जो सिस्टम है सी, इसके साथ हमने ये दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और इसी सी के साथ हमने एक और सिस्टम लगाया यहां पर. This is system B.
ये बी बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, यानी इन दोनों में भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, इसमें भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, इसमें भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। अब हमने इसके बीच में एक वॉल लगा दी, दैट इज डायथर्मिक वॉल, कंडक्टिंग वॉल। हमने वॉल लगाई, दोनों तरफ वॉल टच कराई, ये सोचकर कि हीट यहां से यहां जाएगी या यहां से यहां जाएगी, पर हम क्या देखते हैं, हीट नहीं है, ना इधर से इधर ना इधर से इधर। तो हमारा नियम क्या बना, टू सिस्टम्स इन इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम सेपरेटली आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, बस। यानी अगर ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में होंगे, इसमें भी हीट नहीं जाएगी, दिस इज जीरो एट लॉ। लेकिन जीरो एट लॉ इतने में ही खत्म नहीं होता, इसके पीछे एक हमको एक सोचने का, एक क्वांटिटी डिवाइस करने का मौका मिलता है। क्या क्वांटिटी डिवाइस, कि अगर ये इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचा, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हीट एक से दूसरे में जा रही है, अगर जा रही है तो जाते जाते रुक क्यों गई है, पहली चीज हीट जाती क्यों है एक से दूसरे में, कौन है जो उस हीट को डिसाइड करता है कि वो ए से सी जाएगी या सी से ए जाएगी, दूसरा अगर वो है तो फिर हीट बंद क्यों हो जाती है जाना, ये जो दोनों हमारे क्वेश्चन थे कि हीट व्हाई द हीट हैज स्टार्टेड going from one system to the other system and why he just stopped going from one system to the other system, what is that which is controlling it, now what is that which is controlling it, it has got an answer and that answer is temperature, what is that which is controlling this flow of heat, temperature, तो हमारा आंसर क्या था initially, अगर दोनों में temperature का difference है तो heat जाएगी, कहां से कहां जाएगी, higher temperature to लोअर टेम्परेचर, उसके बाद अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया तो हीट का जाना बंद हो जाएगा और वो स्टेट क्या आ जाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट। सो द फर्स्ट लॉ गिव्स अस डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, ये लॉ है, इस लॉ में टेम्परेचर का शब्द नहीं है, बट दिस गिव्स ए कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, तो नोट कर लीजिए, फर्स्ट लॉ गिव्स कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। Concept of temperature. It is difference of kilokega. उसके बाद देखिए, it is difference of temperature which decides. It is difference of temperature which decides whether as to what will be the direction of flow of heat. What will be the direction of flow of heat? तो ये direction को कौन decide करता है? Temperature difference. The heat flows from higher temperature to lower temperature. Heat flow from body at higher temperature to body of lower temperature. ठीक है, तो ये जो जीरो एथ लॉ है इसमें हमको कंसेप्ट किसका दिया, टेम्परेचर का। ओके, सो दिस इज जीरो एट लॉ, बस। अच्छा, अब इससे अब थर्मोडायनेमिक्स के तीन स्पेशल थिंग्स विच वी हैव टू स्टडी और उनका डिफरेंस भी आपको समझ में आना चाहिए, वो तीन पैरामीटर हैं, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। ये क्या क्या होते हैं, ओके, इसमें से
वर्क आप जानते हैं क्या होता है? वर्क इज वर्क व्हेन एवर वी अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी एंड इट इज ड्यूइंग अ डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क इज सेड टू बी डन। और उसको हम काउंट कैसे करते हैं? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। जितना फोर्स हम अप्लाई करते हैं, इस फोर्स को हम लिख सकते हैं इस तरह से, फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय एरिया डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एक सिलेंडर लिया हमने, उसका कुछ बेसिक एरिया है, उसमें सिलेंडर को हमने मूव किया, उसका वॉल्यूम चेंज होगा। सो डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज द वॉल्यूम। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर ऑफ दैट गैस एंड देयर इज सर्टेन चेंज। सो चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, दिस इज व्हाट वर्क डन। सॉरी, एरिया इनटू डिस्टेंस इज वॉल्यूम। तो डेल्टा पी वी ये क्या बना? वर्क डन। सो वर्क डन ऑन ए गैस विल बी गिवन बाय पी इनटू वी, दैट इज चेंज इन पी वी विल बी गिवन बाय द वर्क। ठीक है, ये हमको मालूम है कि पी मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं है, चेंज इन प्रेशर। और अगर प्रेशर फिक्स है तो चेंज इन वॉल्यूम है, that is the work done. It may be delta P into V, it may be P into delta V. तो जब हम किसी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों में चेंज लाते हैं तो हम वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो गैसेस के वर्क को कैसे काउंट करना? प्रेशर इंटू वॉल्यूम में चेंज, दैट इज वर्क डन। ओके, ये हो गया हीट। किसी हीट इज ए एनर्जी इन फॉर्म ऑफ जूल। वो हम एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट को देते हैं, तो जिस सोर्स से हम एनर्जी देंगे उस सोर्स में हीट कितनी कम हो गई। फिर से इस बात को समझिए, पहले एक सोर्स के पास कुछ हीट थी 1000 जूल, हमने उससे सिस्टम टच कराया, टच करा के इधर रखा, फिर इसकी हीट नापी, अब इसकी हीट है 600 जूल, तो इसने इसको कितनी हीट दे दी? 400 जूल, दैट इज द हीट गिवन। इस तरह से हमने इसकी जो हीट नापी उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं। अगर इसमें एक ही स्टेट है तो हीट का फॉर्मूला एम एस टी, और अगर इसमें स्टेट चेंज हुई है तो इसका फॉर्मूला एम इन टू एल, दोनों हुए हैं तो एम एल प्लस एम एस टी, दैट इज हीट गिवन बाय सोर्स टू दिस, दैट इज हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी को हम जानते हैं, वी विल राइट इट क्यू। This is work done W, which is equal to PV. अच्छा, अब उसके बाद internal energy. ये आपको समझना है कि internal energy क्या होता है। Internal energy यानी जो गैस के molecules हैं, उनके पास जो energy होती है, तो उनके पास energy, उस energy से वो क्या करते हैं? तो answer है कि उस energy से वो दो काम कर सकते हैं। अगर उनकी एनर्जी बढ़ती है, उनके वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, वाइब्रेशन बढ़ने से उनका टेम्परेचर बढ़ता है, वाइब्रेशन बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, एनर्जी मिलने से टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरा, हमको मालूम है कि अगर उनको हम एनर्जी देते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज होता है, और वो सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से वेपर बन सकता है, गैस बन सकता है। जब हीट को उसमें खर्च किया जाता है, चेंज ऑफ स्टेट में खर्च किया जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? एम इंटू एल। तो हम जो एनर्जी किसी को भी देंगे मटेरियल को, वो उसको किस किस में खर्च कर सकती है? स्टेट चेंज में भी कर सकती है, और ये दोनों तरह की एनर्जी उसके अंदर रह जाती है। तो ये दोनों क्या है उसकी? इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अब उसके बाद ये इंटरनल एनर्जी है,
पर हमने यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ गैसेस के लिए कर रहे हैं। अगर हम गैसेस के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी स्टेट नहीं बदल रहे हैं, उसको गैस ही रखते हैं, तो उसमें अब लेटेंट हीट या एनर्जी फॉर चेंज ऑफ स्टेट जरूरत नहीं। तो अब वो इंटरनल एनर्जी सिर्फ किसमें यूज होगी? टेम्परेचर को चेंज करने। क्यों? क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रही है। अब अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही है और उसको हम एनर्जी देते हैं, तो उस एनर्जी से उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो टेम्परेचर का चेंज होना क्या बताता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम किससे नापेंगे? हमारे पास फॉर्मूला एमएसटी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा और हमको मालूम है कि जितना टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज किससे होता है? एनर्जी से। सो दैट इज एमएसटी। ओके, ये है उसकी इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन जो होता है उसको देखिए। हीट और इंटरनल एनर्जी में क्या डिफरेंस है? हीट और इंटरनल एनर्जी में क्या डिफरेंस है? हीट वो एनर्जी है जो हम उसको देते हैं सिस्टम को। इसको हमने कैसे नापा? सोर्स से नापा। सोर्स के पास पहले 1000 हीट थी, इसको इसने दे दी और अब इसके पास 600 रह गई, तो 400 हीट एनर्जी इसको मिल गई, उसको हम बोलेंगे हीट एनर्जी। ओके, तो अगर हम एमएसटी गिनेंगे तो क्या वो 400 नहीं आएगा? हमको मालूम है हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। आंसर है नो, नहीं आएगा। जरूरी नहीं है आएगा, जरूरी नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि यहां पर एक तीसरी चीज इन्वॉल्व है। ये हमने उसको 400 जूल एनर्जी दी, उसने 400 जूल एनर्जी को लिया, फोर्स लगाया और गैस का ऐसा डिस्प्लेसमेंट कर दिया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन ऐसा ऊपर गया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन हुआ 400 जूल। तो वो पूरी एनर्जी किसमें खर्च हो गई? वर्क डन। तो टेम्परेचर बढ़ाने में कुछ खर्च नहीं हुआ, तो टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम इधर से हीट दे रहे हैं, हमारे पास सबूत है हमारे सोर्स की हीट कम हो रही है, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो अब हम समझ गए इसके पास हीट के लिए एक से ज्यादा यूज है, या तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ा ले या कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क कर। तो वो जो चीज है, ये हीट को दो तरह से यूज कर सकता है, या तो कुछ वर्क करेगा या अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। और ये इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई या नहीं हुई, इसकी पहचान कौन है? टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हमको इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। बाकी अब हमने 400 एनर्जी उसको दी और इधर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हमने गैस का एम एस डेल्टा टी किया, वो 300 आया, 300 आया, और हमने क्या देखा? गैस थोड़ी सी फैल गई। अगर हमने फैलने की जगह नहीं दी, प्रेशर कुकर में रखा, तो उसका प्रेशर बढ़ गया, लेकिन P इंटू V में चेंज आ गया। ओके, प्रेशर की बात हम नहीं करेंगे, वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट जरूरी है, वॉल्यूम का बढ़ना जरूरी है, इसलिए वो वॉल्यूम बढ़ा, तब हम काउंट करेंगे कि उसने कुछ वर्क किया। तो वो 100 किसमें खर्च हो गया? वर्क करने। यही है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। ओके, तो ये है हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क, ये तीनों चीजें एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में हो सकती है। और इसी को लेके हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम पहले नोटेशन नोट कर लेते हैं। नंबर 1, डेल्टा क्यू
is heat supplied to the system by the surrounding. इसको क्या लिखेंगे डेल्टा क्यू चेंज इन हीट. उसके बाद दूसरा हम लेते हैं डेल्टा डब्ल्यू. दिस इज व्हाट डन बाय द सिस्टम. व्हाट डन बाय सिस्टम ऑन सराउंड. थर्ड हम लेते हैं डेल्टा यू. दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएंगे. अब इन तीनों के सिंबल फिक्स करके अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख सकते हैं. एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल बी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिस इज डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हमने जो हीट दी दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क. बस तो जितनी हम बाहर से हीट लेते हैं वो उससे या तो अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा या कुछ सिस्टम पर वर्क करेगा. सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसके हम लोग अलग अलग एप्लीकेशंस देखते हैं. इसमें हम अलग अलग तरह की प्रोसेस के बारे में सोच सकते हैं. तो देखिए अलग अलग तरह की प्रोसेस. पहली एक ऐसी प्रोसेस हम लेते हैं जिसमें हमने इसमें हीट दी लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ने दिया. डेल्टा यू हमारे पास क्या फॉर्मूला है. हमने इस सिस्टम को हीट दिया लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ने दिया. ऐसी प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे. इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मिक प्रोसेस. कैसा चेंज होता है ये आइसोथर्मिक चेंज where there is no change of temperature. Okay. If there is no change of temperature, there may be a change of heat. फिर से isothermic process किसे कहेंगे. When there is okay. पहले हम ऐसा करते हैं जो हमारा knowledge है processes के बारे में उसको थोड़ा सा revise कर लेते हैं. जैसे हमने एक प्रोसेस पढ़ी है आइसोथर्मिक प्रोसेस. थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस एक है आइसोथर्मिक. बताइए आइसोथर्मिक प्रोसेस की स्पेशलिटी क्या है. क्या चेंज होता है और क्या नहीं होता है. तो आंसर है इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता सिस्टम का लेकिन उसके हीट कंटेंट्स प्रेशर वॉल्यूम ये सब चेंज हो सकते हैं. क्या चीज नहीं चेंज होगी. टेम्परेचर हीट कंटेंट चेंज हो सकते हैं वॉल्यूम चेंज हो सकता है प्रेशर चेंज हो सकता है. आपने ये चार पैरामीटर पढ़े थे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर और हीट कंटेंट.
इसमें क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट। हीट, प्रेशर, वॉल्यूम में चेंज, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो हम अपने फर्स्ट लॉ में आते हैं। अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इन तीनों में डेल्टा क्यू, एमएसडी और टीवी, इन तीनों में क्या चीज जीरो हो जाएगी? ये जीरो हो गया। तो हमारा थर्मोडायनेमिक इक्वेशन जो हमने हीट दी उसका इक्वेशन क्या बना? देन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन हुआ? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी इंटू वी। व्हाट इज पी इंटू वी? वन टर्म, वन टर्म। ओके, अब इससे हमको क्या पता लगा? डेल्टा क्यू क्या है? हीट गिवन। किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं, किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो वो पूरी की पूरी हीट किसमें यूज होती है? वन टर्म। वर्क डन में अगर अगर हमने वर्क किस प्रोसेस से किया? आइसोथर्मिक प्रोसेस से किया। अगर आइसोथर्मिक से किया तो पूरा हीट किसमें कन्वर्ट होता है? वर्क डन। तो आइसोथर्मिक का स्पेशलिटी क्या है? टेम्परेचर नहीं बदलने। दूसरा एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस किसको कहते हैं? इसमें क्या कांस्टेंट होता है? तो एडियाबेटिक प्रोसेस वो होती है जिसके में हीट के कंटेंट्स, सिस्टम के अंदर जितनी हीट है जो हम देते हैं वो हीट के कंटेंट्स उसमें कांस्टेंट रहते हैं, बाहर से हीट का आना जाना अलाउड नहीं होता। तो इसमें अलाउड होता है क्या? तो आंसर है यस, इसमें होता है। तो आइसोथर्मिक प्रोसेस में हीट का आना जाना अलाउड होता है। अच्छा, आइसोथर्मिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का आना जाना अलाउ नहीं होता है, हीट कांस्टेंट है। अगर हीट कांस्टेंट है, हीट को हम नहीं आने जाने देंगे तो इसमें डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा। अगर डेल्टा क्यू जीरो हो गया तो हमारा इक्वेशन क्या बना? जीरो इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी प्लस पी, ये बना। अच्छा, इससे हमको क्या पता लगता है? इससे हमको ये पता लगता है कि इसको इस तरफ ले जाइए या इसको इस तरफ ले आइए तो पी वी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी माइनस, ये बना। ओके, इसमें हमको क्या पता लगेगा? इसको हमको ये पता लगेगा कि अगर हम V को चेंज करेंगे तो T चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? V को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो T का चेंज कैसा होगा? नेगेटिव, T कम हो जाएगा। बाहर से हीट का आना जाना अलाउड नहीं है। तो हमने एक सिस्टम लिया और उस सिस्टम का वॉल्यूम ऐसे बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, उसकी वॉल एडियाबेटिक रखी है, कंबल लपेटा हुआ है, हीट अंदर नहीं आ सकती, अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती, तो वो कौन सी प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस। जैसे ही हम उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं उस पूरे का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर कम करने का तरीका क्या हुआ? वॉल्यूम को सडनली कम कर, वॉल्यूम को सडनली बढ़ा दीजिए तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। ये हमने देखा इससे डेल्टा बी वी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, वॉल्यूम इंक्रीज विल डिक्रीज द टेम्परेचर। ओके, अब
तीसरी चीज, थर्ड एक और प्रोसेस हम लेते हैं, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है? प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। ओके, प्रेशर वॉल्यूम उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर हम वर्क डन कुछ नहीं करते हैं, अगर वर्क डन कुछ नहीं करते हैं तो क्या होगा? हमारी दी हुई हीट पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इफ देयर इज नो प्रेशर चेंज देन ऑल द हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू टेम्परेचर, इनटू इंटरनल एनर्जी, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। Isobaric delta P zero. Therefore, delta Q is equal to ms delta T. तो इसमें क्या हुआ? Complete heat converts to internal energy. तो अभी हमने फर्स्ट लॉ को आइसोथर्मिक में लगाया, एडियाबेटिक में लगाया, आइसोकोरिक में लगाया, अब चौथा बताइए है? एक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, सो वर्क डन विल बी जीरो। अगेन सो दैट विल आल्सो बी सेम थिंग। ओके, तो इस तरह से हमने देखे में जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये दो, इन दोनों में एक में जो हम हीट दे रहे हैं वो हीट पूरी किसमें खर्च हो रही है? वर्क डन। दूसरे में क्या हो रहा है? उस सिस्टम को हम कोई हीट नहीं देते हैं, सिर्फ उस सिस्टम पे हम मैकेनिकल वर्क करते हैं। हमने उस पर मैकेनिकल वर्क किया, उसका रिजल्ट क्या आया? देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये आपको याद रखना है कि एडियाबेटिक सिस्टम में, एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं या पीवी की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उससे टेम्परेचर हमेशा सिस्टम का डाउन हो जाता है। ये प्रोसेस हम लोग हर जगह यूज करते हैं, एयर कंडीशनर में भी यूज करते हैं। अंदर में गैस का वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हो जाता है, अगर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और उसकी सारी ट्यूब्स ठंडी हो जाती है। ये हम लोग इसको आगे जाके पढ़ेंगे। एनीवे, सो दिस इज वॉल्यूम इंक्रीज, ये दूसरा। तो ये दोनों हमने क्या लगाया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कि ये जो दो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, आइसोथर्मिक और एडियाबेटिक, इन प्रोसेस को हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इसी प्रोसेस से हम काम